सो हेलो जी, की हालचाल सारेनु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब जी। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ऐसे कोविड को लेके तो भाई बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेके चलना अपने पास। एनीवेज भाई लोगों, एक छोटी सी दुख खबरी भी और एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी में भी टाइम है और दुख खबरी में तो निकल चुकी है वो चीज़ें, बट अभी याद बहुत आ रही है। अब आप सोच सकते हो किस चीज़ की याद आ रही है, क्योंकि काफ़ी भाई लोग जो हैं अपने को मैसेज कर रहे थे, DMs कर रहे थे, कमेंट्स में डाल रहे थे कि भैया आजकल लैला पे वीडियो नहीं आ रही है, हायाबूसा पर वीडियो नहीं आ रही है। तो भाई लोगों, आज मैं आपको एक बस अब बस यादें रह गई हैं। यादें किस चीज़ की रह गई हैं, वो अपनी लैला की रह गई हैं। लैला जा चुकी है परमानेंट अपने को बाय बाय करके बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। तो अभी जो है वो मैंने वापस किसी रीज़न से भेजी है, तो शायद से उसका मुझे कुछ अच्छा रिफ़ंड मिलने वाला है। तो रिफ़ंड में क्या होने वाला है भाई लोगों, अभी मैं आपको बता नहीं सकता। दैट्स वॉज आपके लिए वो मतलब सरप्राइज़ मान लीजिए, और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है एक्चुअली अभी तक। तो वो जो हायाबूसा थी भाई, कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो मतलब वैसे इंजन को लेके, बॉडी को लेके, फिजिकल को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट किसी रीज़न से मैंने उसको वापस भेजा है, और उस रीज़न का अपने को बहुत जल्दी आउटपुट मिलने वाला है। तो शायद देखते हैं कब मिलेगा। एनीवेज भाई लोगों, अब बस ये याद है आप लोगों को गाइस, हेलमेट ये मैंने भूसा के लिए स्पेशल बनवाया था, सेम उसके डिज़ाइन का, सेम उसका लोगो बनवाया था। इधर में हायाबूसा और पीछे में ये सुजुकी का, आगे ये सुजुकी की ब्रांडिंग भाई बहुत प्यार से बनवाया था इसको मैंने। ये एक्चुअली आयरो का वेलार हेलमेट है, और भाई ये हेलमेट मैंने लिया था, मैं बेसिकली अपनी Z900 के साथ न्यू ब्रांड न्यू, और ये उस टाइम पे आया था 14,000 समथिंग, लाइक 14,500 या 15,000 के अंदर अंदर था, इतना मुझे याद है अच्छी सी। और भाई अब ये इसकी बस यादें रह गई हैं अपने पास, और थोड़ा टाइम वेट करेंगे, और एक अपना अच्छा सा गिफ्ट भी, बहुत अच्छे लेवल पे गिफ्ट आने वाला है, जो होप नहीं, आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मतलब अपनी भूसा गई है, तो यार आप समझ सकते हो कि कुछ अच्छी चीज़ ही लाऊंगा मैं आपके लिए। तो बस उस चीज़ का मुझे भी बहुत ज़्यादा वेट है, और होप करता हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा वेट होगा। तो यार बस थोड़ा वेट कर रहे हैं, ऊपर वाले से अपन भी प्रे कर रहे हैं, और आप भी प्रे करो कि किसी रीज़न से जो भूसा गई है वो दोबारा चीज़ें वो ना आए। अगर वो दोबारा चीज़ें होती हैं, कुछ भी मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आई एम डैम श्योर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, और उस वीडियो में ना भाई बहुत आतंक मचने वाला है। बस ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ से थोड़ा सा हिंट उनको लग जाएगा कि प्लीज़ वो अभी ये सब चीज़ें ना करें जो वो मेरे साथ पहले कर चुके हैं। भाई लोगों, बस अब आपके लिए इतना बड़ा ही पॉइंट काफ़ी है कि मेरे साथ कुछ गलत लेवल पे हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे, बट उनको शायद रिकॉग्नाइज हो चुकी है अपनी गलतियाँ, शायद अपनों वो रियलाइज़ कर चुके हैं ये गलतियाँ, तो वो अब ये चीज़ें नहीं करेंगे। और मैं उनसे पहले ही बोल के ये काम कर रहा हूँ कि वो चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए भैया, जिससे आपको भी दिक्कत हो और मैं दिक्कत कोई क्रिएट करूँ। तो होप करता हूँ वो चीज़ें ना करें आप। एनीवेज भाई लोगों, हिमालयन में भी बहुत जल्दी अपन कुछ चेंजेस कराने वाले हैं, उसका व्लॉग मैं अलग से डालूंगा आपके लिए, जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि अभी वो काम हुआ नहीं है। बट एज़ यूजुअल जैसी अपनी बाइक है, मैं उसका थोड़ा आपको फुटेज दिखा देता हूँ, वो आप देख लेना। देन आफ्टर मैं उसके बाद आपको एक और क्लिप डालने वाला हूँ, जब अपनी भूसा अपन ने वापस भेजी थी, वो एक्चुअली मैंने एक यूट्यूब के लिए नहीं, वो मैंने उन बंदों के लिए बनाई थी कि अपन ने क्या क्या उनको सामान दिया है, क्या क्या अपनी बाइक कैसे गई है, सारा कुछ उसके ऊपर एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी बाई फोन, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो प्लीज़ मैं बना नहीं पाया था, क्योंकि बाइक जो थी वो सुबह सुबह में मैंने डिस्पैच करी थी बाई टोइंग वैन, तो उसका बस एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास, मैक्स टू मैक्स मेरी सबसे एक मिनट का होगा, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। एंड देन आफ्टर मैं अपनी हिमालयन की एक नॉर्मल वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ, देन आफ्टर अपन उसमें कुछ चेंजेस कराने वाले, क्या चेंजेस कराने वाले हैं तो उसका भी वेट करना। पहले मैं आपको हिमालयन दिखाता हूँ, देन आफ्टर मैं एक हायाबूसा की क्लिप भी डालूंगा, तो उसको देखना।
बाइक जो है मैं सुपर सुजुकी को सेल कर चुका हूँ। ये है श्री बालाजी क्रेन सर्विस जो भेजी है ऋषिराज भैया ने। बाइक की कंडीशन ये है, ये भैया मेरे से लेने आए हैं। साथ में मैं इनको दो एग्जॉस्ट दे रहा हूँ, स्टॉक एग्जॉस्ट और ओरिजिनल से लगे हुए TBR। और काउल मैंने भैया को दे चुका हूँ, अंदर रख दिया काउल। ये रखा इसका काउल। और बाइक में आपको पूरी एक बार दिखा देता हूँ। तो होप करता हूँ आपको हिमालयन भी अच्छी लग रही होगी, जिस हिसाब से वो जिस कंडीशन में अभी खड़ी है। तो इसमें अपन कुछ चेंजेस करने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस करने वाला हूँ, बहुत लो बजट का चेंजेस करने वाला हूँ। और एक थोड़ा बड़ा बजट का भी चेंजेस है जो मैं शायद आपको नहीं रिकमेंडेड करूँगा, बट जो मैं कर सकता हूँ प्लीज़ आप हर चीज़ ना करें, क्योंकि बजट सबका अलग अलग होता है, सबके दिमाग अलग अलग होते हैं कि कौन किस तरीके से अपनी बाइक क्रिएट करना चाहता है, कैसे कस्टमाइज़ करना चाहता है। तो प्लीज़ मेरी जैसे आप प्लीज़ कॉपी ना करें। ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगे तो वो चीज़ ही कराना। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, शायद मेरे लिए है वो नहीं भी है, बट मेरे को शौक है यार बाइक कस्टमाइज़ करने का। अपनी बाइक मैं जो भी रखता हूँ उसको फुली लोडेड रखता हूँ। मेरे पास पहले KTM ड्यूक थी, Z900 थी, काफ़ी बाइक्स मैंने रखी हैं। मेरे को एक्चुअली बचपन से बाइक का शौक रहा है, तो मैं बाइक जो भी रखता था भाई फुली लोडेड रखता था। एनीवेज आपने ये अभी हिमालयन के कुछ शॉट्स देखे होंगे, तो अभी बिल्कुल आपको नॉर्मल लग रही होगी। तो बस थोड़ा सा वेट करो, जल्दी से मैं एक और व्लॉग बनाने वाला हूँ कि मैं उसमें क्या क्या चेंजेस कराने वाला हूँ, क्या क्या नहीं करवाने वाला हूँ। और आपने एग्जॉस्ट नॉट लिया होगा उसका, आपने पूरी बाइक को नॉर्मली देख भी लिया होगा, तो अपन बहुत जल्दी इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो भाई लोगों, होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। और तब तक के लिए चाहूँगा आपसे इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।